हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जरी स्टाइल कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ दिस, ये है गुड वाइब्स का आमला शिका का स्ट्रेट थिनिंग शैम्पू, नो पैराबेन एंड क्रुएल्टी फ्री शैम्पू। सो एज़ यू कैन सी, ये है प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, पूरी डिटेल्स इसकी आपके साथ शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ। ये है गुड वाइब्स का आमला शिका का स्ट्रेटनिंग शैम्पू एंड नो पैराबेन एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट। सो ये एक बेसिकली शैम्पू है जो कि गुड वाइब्स ब्रांड का है। आमला एंड शिका काय वाला इसका फॉर्मुलेशन है। एंड गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स की बात आपको पता होगी कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नो पैराबेन और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो ये उन्हीं में से एक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ इसके पैकेजिंग की, तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसी तरीके की पैकेजिंग में रिसीव होता है। इसके बाहर से कोई अदर पैकेजिंग नहीं है, ऐसे ही मिलेगा। बट या एक प्लास्टिक की रैप होकर के आएगा, उस प्लास्टिक के रैपर को आपको हटाना है और आप इस शैम्पू को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बॉटल जो है, ये प्लास्टिक की बॉटल है एंड देखी जाए तो ठीक है, ज़्यादा फ्लिम्जी बॉटल नहीं है, अच्छा है इसका जो मटेरियल है। और सबसे अच्छी बात इस पैकेजिंग की ये है कि इसके साथ इन्होंने पंप दिया हुआ है जो कि इसकी एप्लीकेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी और नीट और थोड़ा हाइजीनिक बना देता है। बिकॉज पंप है तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आपको कितना प्रोडक्ट जो वो चाहिए, 1, 2 या 3 पंप आपको कितना शैम्पू इसमें से निकालना है, आपका फुल कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। तो पैकेजिंग वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो ये है 165 रुपीज़ का, जिसमें आपको मिल जाता है 120 ml ऑफ प्रोडक्ट। 165 इसमें प्रिंटेड है, बट अगर आप गुड वाइब्स में देखते हैं तो आपको ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट में ज़रूर मिल जाएगा। एंड ये एक्सक्लूसिवली आपको purple.com पर ही मिलेगा, ये और किसी भी साइट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स। सो या और इसके साथ साथ इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो आपको 2 ईयर्स की मिलती है, 2020 से 2022 तक इन्होंने मुझे दे रखी, यानी कि 2 साल की शेल्फ लाइफ आपको इसमें आराम से मिल जाती है। सो या नेम जो प्रिंटेड है वो मैंने आपको इसमें से पढ़ करके बता दिया है। अब इसके अलावा इसमें और क्या क्या मेंशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज जो कर रखा है, ऑब्वियसली ये आंवला और शिका का ये शैम्पू है तो आंवला के गुड लाइक बेनिफिट्स बता रखे हैं। एंड उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि इसे हाउ टू यूज़, किस तरीके से यूज़ करना है। जनरली वैसे ही यूज़ करना है, जस्ट पम्प आउट बोटानिकल गुडनेस इन योर पाम, स्टेडिली and smoothly massage it onto your scalp and across the length of your hair for a couple of minutes. Rinse away with lukewarm water and go flaunt your smooth hairs. स्मूथ लॉक्स। तो इन्होंने बोला है आपको जस्ट पम्प आउट करना है इसमें से शैम्पू और इसको लादर अप करके अपने स्कैल्प पे लगाना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको कट करना चाहूँगी कि जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, तो आई डोंट नो कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बट मैं जिस तरीके से यूज़ करती हूँ, शैम्पू को हमेशा पानी में थोड़ा डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए, और उसी तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूँ। मैं डायरेक्टली शैम्पू ले करके अपने हेयर्स पर अप्लाई नहीं करती हूँ कभी भी। सो आप थोड़ा सा शैम्पू लीजिए और थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कीजिए पानी के साथ, उसके बाद ही आप अपने स्कैल्प पर उसे अप्लाई कीजिए। वो ज़्यादा सही और बेटर वे है, आइडियल वे है शैम्पू अप्लाई करने का अपने हेयर्स पर। उसके बाद इन्होंने लिखा है बी केयरफुल ऑफ, तो बी केयरफुल कॉन्टैक्ट विद आइज़, यानी कि आपको इसको आइज़ से कॉन्टैक्ट होने से बचाना है, और अगर हो जाता है तो आपको क्विकली जा करके अपनी आइज़ को धो लेना है। ओके, एंड उसके बाद इन्होंने लिखा है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मे बी इरिटेटिंग टू समवन, ऑलवेज कंडक्ट अ पैच टेस्ट बिफोर यूज़। सो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, तो मे बी सबको सूट ना करते हों, तो इनका कहना है कि आप इसको एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो दिस डज नॉट अफेक्ट द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो ये सब कुछ इसमें यहाँ पर मैंशन है।
ओके सो ये मैंने आपको बढ़ के बता दिया है। अब मैं इसके साथ साथ इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन कर देती हूँ। तो इन्होंने इसमें लिखा है नो पैराबिन, या इसमें पैराबिन नहीं है, लेकिन इसके अंदर सल्फेट है, बिकॉज इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के अंदर सल्फेट भी पढ़ सकती हूँ, सोडियम लॉरिल एथर सल्फेट, ये इसके अंदर मेंशन है कि इसमें ये डला हुआ है। साथ ही इसकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो इतनी लंबी है कि मैं आपको अभी पढ़कर नहीं बता पाऊँगी, बट या मैं यहाँ कहीं पर भी कोशिश करूँगी उस लिस्ट को दिखाने की, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो या यही है इनका इंग्रेडिएंट्स। ओके, अब नेक्स्ट मैं चलती हूँ इसके जो अंदर इसका जो शैम्पू है उसकी कंसिस्टेंसी और उसका वो दिखाने के लिए आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का शैम्पू है। ओके सो मैं यहाँ पर निकालती हूँ इतना। तो एज़ यू कैन सी ये इस तरीके से निकल रहा है। इसका जो कलर है वो बहुत ही लाइट ग्रे कलर है, एज़ आपको दिख रहा होगा लाइट ग्रेश कलर का ये शैम्पू है। ओके सो आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके का शैम्पू है। बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है ये, काफ़ी ज़्यादा थिक है, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। और जिस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है ना कि आप शैम्पू लीजिए और अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर दीजिए, तो वो इतना आसान नहीं होगा। जब तक आप उसको डाइल्यूट ना कर ले पानी में, तब तक आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प पर अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर ये जो A120 ml की बॉटल है ये विदिन 2-3-4 बार में आपकी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अगर आप इनके प्रोसीजर की को फॉलो करेंगे तो। ओके सो ये इसकी कंसिस्टेंसी है, काफ़ी ज़्यादा थिक है ये शैम्पू, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी इतनी देर में ये यहाँ तक ही नीचे तक आया है, ग्रे कलर का है। और इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक नेचुरल टाइप की स्मेल इन्होंने दे रखी है, एंड आंवला शीका का है तरीके के जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पाउडर्स वगैरह भी जो होते हैं इनके, उसी तरीके की स्मेल जो है वो इसके अंदर आ रही है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप जब इसको अप्लाई करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक बार में, दो बार में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके स्कैल्प पर, हेयर्स पर अप्लाई नहीं हो पाता है। लाइक यू कैन सी अभी मैंने इतना लेकर के सिर्फ इतने पोर्शन पर इसको स्प्रेड किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लैदर अप भी नहीं हुआ है। सो यही मैं बोल रही हूँ कि ये जो है कि बहुत अच्छे तरीके से लैदर अप नहीं होता है। आपके ड्राई हेयर हो ना, मतलब आपने अगर हेयर्स पर कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो फिर भी आपको ये कम से कम 2-3 बार कम से कम इसे यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने ऑयल लगा रखा है अपने स्कैल्प पर, तो फिर कम से कम 4-5 बार आप इसको अप्लाई करेंगे तब जा करके ये आपके स्कैल्प से वो ऑयल को निकालेगा, हेयर से ऑयल को पूरी तरीके से निकालेगा। और जब आप किसी शैम्पू को 4-5 बार अप्लाई करते हैं ना, तो आपके जो हेयर्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। एंड सोचिए जिनके ऑलरेडी ड्राई हेयर्स हैं उनका क्या बालों का हाल होगा इसको यूज़ करने के बाद। मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, और उसको इनको यूज़ करने के, इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छा और मॉइस्चराइज एकदम कंडीशनर ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजेशन आपके बालों को दे सके, सॉफ्ट बना सके, इसके लाइक इतना हार्श एक्शन के बाद थोड़ा सॉफ्ट बना सके। तो आपको वो कंडीशनर ढूंढना होगा अगर आप इसको यूज़ करना ही चाहते हैं। तो कंडीशनर इज़ मस्ट आफ्टर यूजिंग दिस। ओके सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या नाम है इसका, कैसे इसकी पैकेजिंग है, क्या इसका प्राइसिंग है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर, सब कुछ, स्मेल वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। अब फाइनली मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए ही इसे लिया था, बिकॉज़ इनके नो पैराबिन वाले जो एक कोट रहता है इसमें, तो उसको अट्रैक्ट करता है परचेज़ करने के लिए इनके प्रोडक्ट्स को, तो उसी को देख करके मैंने इसे परचेज़ किया है। बट कोई ख़ास इसका इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो 120 ml की बॉटल है ये मैंने कितनी बार, 5-6 बार यूज़ करी होगी, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ये। तो बिलीव मी, इसको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा और ख़ास काइंड का कोई शैम्पू नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है इसके अंदर। आप इसके अलावा कोई भी अदर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, इट्स जस्ट डोंट वर्थ
मेरा सिर्फ कहना ये है। और जिस तरीके का ये रिज़ल्ट आपके बालों में देता है ना, इतना ड्राई ड्राई बना देता है आपके बालों को ये, और ज़्यादा फ्रिजी और ज़्यादा ड्राई लगने लग जाते हैं इसके यूज़ करने के बाद आपके बाल, वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद अगर आप कंडीशनर स्किप कर देते हैं तो बिलीव में आपके बाल आपको टैकल करने ही मुश्किल हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शैम्पू। सो मेरी तरफ से मैं इसको रीपर्चेज दोबारा नहीं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, कोई और शैम्पू ट्राई करूँगी बट इसको तो मैं बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाली हूँ। या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो इसमें मेनली आंवला शिकाकाई डला हुआ है, आई नो उनके अगर हम पाउडर्स भी अपने बालों में यूज़ करते हैं ना तो वो ड्राई इफेक्ट देते हैं। और इसी तरीके से थोड़े बहुत जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने शैम्पूज़ होते हैं, आंवला शिकाकाई वगैरह से बने हुए जो शैम्पूज़ होते हैं, मैंने नोटिस किया है कि उनका जो रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट मिलता है हमारे बालों में वो इसी तरीके का मिलता है, थोड़ा ड्राई आपके बालों को ड्राई और एक्स्ट्रा फ्रीजी वगैरह बना देता है। बट उसके साथ साथ कुछ गुड रिजल्ट्स भी मिल जाएँ तो कंपनसेट हो जाती है वो चीज़। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके हेयर, वैसे ये एक हेयर फॉल वगैरह के लिए कुछ क्लेम भी नहीं करते हैं, स्ट्रेंथनिंग आपके बालों को प्रोवाइड करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इतनी बार आप अपने बालों पे शैम्पू करेंगे तो कैसे वो स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी उन बालों को, आई डोंट नो। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग का जो इनका क्लेम है उस पे ये कुछ खरा नहीं उतरता है। सेकंड हेयर फॉल के लिए वो ये क्लेम नहीं करते हैं, बट स्टिल कुछ भी इससे रिज़ल्ट नहीं मिलता है आपके बालों को। तो अगर ऐसा शैम्पू है जिससे कोई रिज़ल्ट आपके बालों को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इवन ढंग से आपके बाल धुल भी नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इसे क्यों परचेज़ करेंगे। तो मेरी तरफ से दिस प्रोडक्ट इज़ टोटल नो, ओके। और मैं आपको इसे रिकमेंड भी नहीं करूँगी क्योंकि आप इतने 165 रुपीज़ भी क्यों इसके अंदर खर्च करेंगे, आई डोंट नो। कोई दूसरा शैम्पू आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो जो कि था गुड वाइब्स के आंवला शिकाकाई स्ट्रेंथनिंग शैम्पू के ऊपर। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर लेना लाइक, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए अगर वो ये शैम्पू ख़रीदने की सोच रहे हैं तो, और वो उसको ना ख़रीदे, ओके। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।